एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंट्रल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक वो है हमारा मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड का मीनिंग और उसके और रीजंस और इंपैक्ट्स हमने कवर किए थे लास्ट के वीडियो में, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लेलिस्ट से आप जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि हम कैसे एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके मेजर करने के लिए दो ट्रिक है, जो दो ऑप्शंस, वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को मार्केट में कंट्रोल करने के लिए, लेकिन हमारा जो 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस है उसमें सिर्फ हमें दो ही पढ़ना है, एक मॉनेटरी पॉलिसी और एक फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट पढ़ना। तो इस वीडियो में हम सिर्फ उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है और उसके अंदर कैसे चेंज लेके आते हैं। इसके बाद वाली जो वीडियोस आएगी उसमें हम लोग इंडिविजुअल एक्सेस डिमांड को कैसे मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी से करेक्ट करते हैं, डेफिशिएंट डिमांड, ये हम लोग इंडिविजुअल आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो प्रॉब्लम रहती है एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड की, उसको बहुत सारे तरीकों से ठीक किया जाता है। जो सिलेबस है उसमें हम लोग दो तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो दिया है, द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय ब्रिंगिंग अ चेंज इन द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। ये जो प्रॉब्लम है एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड, ये डिमांड के सही ना होने से, इक्विलिब्रियम से मैच ना करने, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, इसीलिए ये प्रॉब्लम आती है एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड। तो इसको हम लोग एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड में ही चेंज ला के सही कर सकते हैं। भाई जिसमें प्रॉब्लम आ रही है उससे ही तो ठीक करेंगे ना। तो वही है, अब दो तरीके से हम लोग ठीक करते हैं। पहला आता है चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब होता क्या है कि हर साल गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पार्ट ऑफ इनकम पब्लिक स्पेंडिंग के लिए निकालती है, पब्लिक के खर्चे, जिसको हम लोग एक्सपेंडिचर पॉलिसी भी बोलते हैं। इन जनरल उसको बोला जाता है फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ये ऐसी पॉलिसी रहती है जिसमें साल भर का गवर्नमेंट पब्लिक पे कितना खर्चा कर रही है उसका पूरा डिटेल रहता है। तो इसमें थोड़ा चेंज ला के गवर्नमेंट एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल कर सकती है। अब आप बोलेंगे कि कैसे? अब देखो, वो सोची कि गवर्नमेंट सोची कि पब्लिक एक्सपेंडिचर इतना करेंगे, पब्लिक के लिए हॉस्पिटल, रोड्स, रेलवे, स्कूल्स या बहुत सारे उनकी स्पेंडिंग करेंगे, तो उसके लिए कहीं ना कहीं वो अगर इन्वेस्ट करें तो कहीं ना कहीं से वो डिमांड करेंगे। तो इसी तरीके से डिमांड ज़्यादा या कम होती है। तो एक्सेस डिमांड से या फिस्कल पॉलिसी से अगर हम लोग स्पेंडिंग गवर्नमेंट की कम कर दें या ज़्यादा कर दें, तो दोनों एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है बाय फिस्कल पॉलिसी। इसको बोला जाता है फिस्कल, तो इसको क्या बोलेंगे, इट इज अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ये होता है चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। फिस्कल पॉलिसी को हम लोग एक्सपेंडिचर पॉलिसी भी बोलते हैं। अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा है तो फिस्कल पॉलिसी को लो कर देंगे, स्पेंडिंग गवर्नमेंट को, पब्लिक के स्पेंडिंग को कम कर देगी, और अगर मार्केट में डिमांड कम आ रही है, डेफिशिएंट डिमांड है, तो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देगी जिससे मार्केट में सब लोग डिमांड करें। तो ये ऐसा चलेगा, आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है चेंज इन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। अरे क्रेडिट, पैसा डिमांड के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है, मनी का फ्लो ज़्यादा है, तो सब लोग डिमांड बहुत ज़्यादा करेंगे, और अगर मनी का फ्लो कम है तो डिमांड इसी तरीके से नीचे आ जाएगी। वैसे ही RBI कंट्रोल करता है हमारे इंडिया का मनी फ्लो, और डिमांड डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए एक मस्त ट्रिक रहती है। भाई RBI क्या करेगा, अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो बहुत सारे अपनी ट्रिक या ऐसा निकालेगा जिससे वो मार्केट पैसा ले लेगा। अगर मार्केट में पैसा कम है तो इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा जिससे सबके पास पैसा जाए। इस तरीके से RBI रेगुलेट करती है मॉनेटरी या मॉनेटरी टर्म्स की जो कंडीशंस रहती हैं ऑफ इंडिया। तो अगर डिमांड को चेंज करना है तो हम मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज लाएं विद द हेल्प ऑफ RBI, इससे बिल्कुल सही तरीके से डिमांड कंट्रोल हो सकती है। तो ये चेंज इन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट कौन करता है, RBI, ठीक है। अब उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लेके आती है। दो तरीके से मैनेजमेंट करती है, या तो ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट से करती है या ये क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब पैसे से रिलेटेड, जैसे कि बैंक रेट या ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, एक्सेस डिमांड है, तो इसका मतलब लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करेगी, बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। अब बैंक रेट जैसे ही बढ़ाएगी तो लोन कम जाएगा, इसका मतलब धीरे धीरे लोगों के पास पैसा कम होता जाएगा। इस तरीके से एक होता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट मतलब जनरल गाइडलाइंस, या ये बोल देगी कि हर किसी को लोन दे देना है, या बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा देगी कि
कि अगर आप ये फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो तो ही आपको लोन देंगे। तो इस तरीके से भी मार्केट में लोन जाना या मनी लोगों पे जाना कंट्रोल हो जाता है, जिससे एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। तो ये कुछ कुछ तरीके हैं जिससे एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं कर सकते हैं। अब इसके डिटेल्ड कि एक्सेस डिमांड को प्रॉपरली कैसे सॉल्व किया जाता है, डेफिशिएंट डिमांड को प्रॉपरली कैसे सॉल्व किया जाता है, ये मैं इंडिविजुअल लेके आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ फॉर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।